नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, गंगा किनारे बसी काशी और दुनिया के नक्शे पर मौजूद काशी, देखिए अपने आप में कितनी पुरानी है। इसका अंदाजा अमेरिकी लेखक मार्क ट्विन के एक कोट से लगाई, जिसमें कहा गया कि ये शहर इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी पुराना है, और जब इन सभी को मिलाकर संग्रहित कर लिया जाए तो बनारस उस संग्रह से भी दो गुना पुराना है। लेकिन अब एक नए रंग रूप में काशी की तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी, और जिस काशी के कण कण में शिव बसते हों, जिसकी आबोहवा में भक्ति की खुशबू आती हो, और जिस काशी में नाथों के नाथ बाबा काशी विश्वनाथ का धाम मौजूद हो, वहां 400 करोड़ की लागत से बनकर तैयार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर काशी की एक नई पहचान बनने जा रहा है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट अब हकीकत का रूप ले रहा है। विशालकाय और अलौकिक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रखी थी, और 21 महीने बाद यूपी चुनाव से ठीक पहले इस 13 दिसंबर को उसका लोकार्पण होने जा रहा है। 5000 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुए इस कॉरिडोर में अब काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता और दिव्यता में 4 चांद लग जाएंगे। माँ गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से जोड़ने वाले इस विशालकाय गलियारे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से ना सिर्फ देखे काशीवासी बल्कि दुनिया भर में मौजूद बाबा के करोड़ों भक्तों को सौंपेंगे। तो पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हकीकत में देखिए कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है, इसका अंदाजा कॉरिडोर में लगे तराशे गए इन मकराना मार्बल से लगाइए, जिन पर उकेरी गई ये कलाकृतियां इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। ललिता घाट से गंगा स्नान करके जैसे ही आप लोग कॉरिडोर के जरिए मंदिर में कदम रखेंगे, भव्य और विशालकाय प्रवेश द्वार आपका स्वागत करेगा। तो जैसे ही कॉरिडोर परिसर में कदम रखेंगे, मंदिर चौक से लेकर मुमुक्ष भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तकालय केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र और जलपान केंद्र से जुड़े देखें 24 भवन यहां आपको मिलेंगे, और इनके जरिए बाबा के भक्तों की हर एक जरूरत का ख्याल रखा गया है। बाबा विश्वनाथ की परिक्रमा करने के लिए मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है। तो वहीं कॉरिडोर के जरिए भक्तों को बाबा तक पहुंचाने के लिए 4 विशाल प्रवेश द्वार बकायदा बनाए गए हैं। तो तस्वीरों में दिख रहा पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें तकरीबन 90% काम पूरा हो चुका है, और अब 2 हफ्ते बाद पीएम मोदी के हाथों इस कॉरिडोर का लोकार्पण होगा, जिसको लेकर ज्योतिषाचार्यों द्वारा सुझाया गया मुहूर्त भी अपने आप में खास है। 13 दिसंबर के दिन जिस मुहूर्त में देखिए पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, वो सतयुग के समान होगा, या फिर यूं कहें कि सतयुग की शुरुआत के साथ ही दुनिया के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर खोल दिया जाएगा। प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी की माने तो जिस मुहूर्त में पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, वो अगहन माह की दशमी तिथि है, जिसमें रवि योग का निर्माण हो रहा है, और देखिए शास्त्र अनुसार इस तिथि में उद्घाटन, शिलान्यास और नए काम की शुरुआत शुभता लेकर आती है। देखिए इस मुहूर्त को रवि पुख योग कहा जाता है, ये जो है रविवार का सिद्ध योग बन रहा है, करण योग जो बनते हैं, इस तरह के जो योगा योग बनते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान सोमवार है और रवि योग बन रहा है। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, और भगवान शिव के दिन होने के कारण भगवान शिव का ही जो स्थान है, जो उनका आनंद वन है, उसी का भव्य और दिव्यता से के साथ उद्घाटन है। तो तमाम तरह के रेवती नक्षत्र पड़ जा रहा है उस दिन, जो अद्भुत संयोग बना रहा है। तो इस तरह के नक्षत्र मुहूर्त कर्ण योगों के साथ तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव, तो ये सारे बल जो है वहाँ उस दिन प्राप्त हो रहे हैं। इन सारे बलों को अभीष्ट सिद्धि की ओर से ये भगवान विश्वनाथ का मंदिर, आप समझिए कि समस्त मनोकामनाओं का पूर्ण देने वाला, भक्तों की मनोवांछाओं को देने वाला ये मंदिर पूरा प्रांगण जब बन के बैठ जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं जिस तरह के बन गया है, यहाँ लोग भक्त आएंगे, बैठेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे, उपासना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ये एक तरह से ये तो गुजरात वासियों के लिए नया वर्ष है। गुजरात वासियों गुजरात प्रदेश में, गुजरात प्रांत में अन्नकूट के बाद नया वर्ष मनाया जाता है। हमारे यहाँ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष मनाया जाता है, मिथिला में अलग ढंग से नव वर्ष शुरू होता है। तो हमारे यही तो भारत की विविधता है,
विभिन्न विविधताओं को लेकर के एकता को समेटे हुए है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्मशास्त्री सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार ये मुहूर्त अति उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मास में इससे अच्छा मुहूर्त कोई है ही नहीं, इसीलिए इस मुहूर्त काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस विश्वनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो ऐसे मान्यता है कि इस माह में किए गए व्रत पूजा अनुष्ठान का पूरा फल मिलता है। ग्रंथों अनुसार भगवान शिव और पार्वती के अलावा राम और सीता का विवाह भी इसी माह में हुआ था, और इसलिए इस माह में किए गए सभी शुभ कार्य भगवान को अर्पित होते हैं। तो शुभ घड़ी में विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण न सिर्फ राष्ट्र हित में बताया जा रहा है, माना तो ये भी जा रहा है कि इससे राष्ट्र पर आने वाली सभी तरह के संकट से भगवान आशुतोष न सिर्फ मुक्ति दिलाएंगे बल्कि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेंगे। तो 13 दिसंबर को जैसे ही सतयुग समान शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, तकरीबन एक महीने तक विश्वनाथ धाम महोत्सव मनाया जाएगा। लोकार्पण के समय जहां देश भर के शक्तिपीठों से लेकर द्वादश ज्योतिर्लिंग के अर्चक मौजूद रहेंगे, तो वहीं इस पूरे महीने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर पदाधिकारी, धर्माचार्य, विद्वान, उद्यमी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मीडिया समूह के संपादक समेत देखिए आम से खास हर कोई काशी में मौजूद रहेगा। देखिए देखिए उसमें पूरे भारत के अखिल भारतीय संत समिति को दायित्व दिया गया, पूरे भारत के संतों को बुलाया जा रहा है, जितने भी हमारे धर्माचार्य हैं, धर्म पीठाधीश्वर हैं, जो धर्म का नेतृत्व करने वाले पूजनीय संत हैं, विद्वान हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जो अर्चक हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, और 51 सिद्ध पीठों के जो मंदिरों के जो अर्चक हैं, पुजारी हैं, सबको ये एक माह का उत्सव चलेगा। ये काशी विश्वनाथ धाम महोत्सव इसका नाम दिया गया है। उस दिन भी सभी अर्चकों को, सभी विद्वानों को और सभी पूजनीय संतों को, प्रदेश के नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्रियों को, सबको आह्वान जा रहा है, सबको निमंत्रण जा रहा है। और ये काशी विश्वनाथ धाम का 13 दिसंबर का जो उत्सव होगा, ये दुनिया के लिए राष्ट्रीय महोत्सव नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के नाम से विश्वनाथ धाम का मंदिर महोत्सव जाना जाएगा। चलिए जाते जाते आइए एक नजर डालते हैं एक महीने तक चलने वाले विश्वनाथ धाम महोत्सव पर। 13 दिसंबर 2021 को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 15 दिसंबर को देश के सभी भाजपा सहयोगी दलों शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन। 16 दिसंबर को देश के सभी महापौर का सम्मेलन। 17 दिसंबर को देश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन। 18 दिसंबर को देश के सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन। 19 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन। 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। 21 दिसंबर को बजट खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार। 22 दिसंबर को इतिहासकारों का सम्मेलन। 23 दिसंबर को देश के सभी मशहूर ट्रेवल ब्लॉग लेखकों का सम्मेलन। 24 दिसंबर को देश के सभी टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन। 26 दिसंबर को संपादकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मेलन। 27 दिसंबर को देश के प्रमुख कॉरपोरेट उद्योगपतियों का सम्मेलन। 28 दिसंबर को भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का सम्मेलन। 29 दिसंबर को विभिन्न देशों के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन। 30 दिसंबर को देश के देवस्थानों बोर्ड के पदाधिकारियों का सम्मेलन। 2 जनवरी को देश के पर्यावरण एवं वैज्ञानिकों का सम्मेलन। 3 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्क्लेव। 4 जनवरी को विभिन्न विधाओं के कलाकारों का समागम। 5 जनवरी को प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मेलन। 6 जनवरी को प्रदेश के ODOP कारीगरों का सम्मेलन। 7 जनवरी को प्रदेश के स्वच्छग्रहियों का सम्मेलन। 8 जनवरी को देश के वास्तुविदों का सम्मेलन। 9 जनवरी को देश के अभियंताओं का सम्मेलन। 10 जनवरी को प्रदेश के खिलाड़ियों एवं खेल प्रतिभागों का सम्मेलन। 11 जनवरी को प्रदेश के लोक विधाओं से जुड़े कलाकारों का समागम। 12 जनवरी को प्रदेश के उद्यमी स्वावलंबी महिलाओं का सम्मेलन। 13 जनवरी को महिला एवं सहायता समूह का सम्मेलन। और 14 जनवरी को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का काशी भ्रमण।